देवास के हरिओम नगर में रहने वाले जिला न्यायालय देवास में भृत्य के पद पर पदस्थ राहुल पिता गोवर्धन डांगी ने 2019 में देवास के जवाहर नगर में एक ईडब्ल्यूएस मकान 12,70,000 में खरीदा था, जिसके नामांतरण के लिए उन्होंने उज्जैन के हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 के बाबू बाल मुकुंद मालवीय के पास 10 मार्च 2022 को आवेदन दिया था। हाउसिंग बोर्ड का बाबू उन्हें तभी से अलग अलग बहाने बनाकर टाल रहा था। बाबू ने नामांतरण के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी और फिर 15,000 से होते हुए 10,000 में मामला तय हुआ। फरियादी राहुल ने 5 जुलाई को इसकी शिकायत उज्जैन लोकायुक्त में की और शुक्रवार को लोकायुक्त ने बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ ली। ये राहुल डांगी हैं, ये हरिओम नगर देवास के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को दिनांक 5 जुलाई को एक शिकायत की थी कि इन्होंने 48 ईडब्ल्यूएस नंबर का जवाहर नगर देवास में एक मकान खरीदा है। उक्त मकान का नामांतरण कराने के लिए उन्होंने आवेदन हाउसिंग बोर्ड उज्जैन में किया हुआ है। तो उस नामांतरण कराने के लिए जब वो बाबू बाल मुकुंद मालवीय से मिले तो उनके द्वारा बाकी खर्चों के अलावा 20,000 रुपये ऊपर से रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया था और आज उनको रंगे हाथों 10,000 रुपये लेते हुए उनके कार्यालय में ही पकड़ा है और अभी कार्रवाई जारी है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। तो देखने में कि रिश्वत की राशि ली जाती है, आपस में काफ़ी अधिकारी बांटते हैं, इसमें भी इस तरह से होगी कि अगर इसमें संलिप्तता अन्य किसी अधिकारी की पाई जाएगी तो उसमें विधिवत कार्रवाई आगे की जाएगी। मैंने तीसरे महीने में आवेदन दिया था नामांतरण के लिए और उस नामांतरण के लिए मैं काफ़ी चक्कर काट रहा था, बार बार आ रहा था, मुझे टाला गया था। फिर एक दिन इन्होंने बोला कि बिगर पैसे से आपका कुछ काम नहीं होएगा। फिर यही शिकायत मैंने वहाँ लोकायुक्त में की, उनको आवेदन लिखित में दिया मैंने कि मेरे से पैसे की मांग की जा रही है। तो वहाँ से मैं फिर कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद में मेरे से आज दिनांक को पैसे मंगवाए थे 20,000 रुपये, 20 के बाद में 15 मंगाए थे, फिर 15 से फिर 10 पे आए थे ये। तो आज दिनांक को मैं 10,000 रुपये इनको लेके आया था देने के लिए और आज इन लोकायुक्त वालों ने रंगे हाथ इनको पकड़ा। कब किस चीज़ के लिए आपसे नामांतरण के लिए? नामांतरण मेरा 48 है, 48 EWS जवान नगर। जवान नगर वहाँ आपने खरीदा, कब खरीदा था मकान आपने? मैंने ये 19 में खरीदा था, 20 में। जब से लेके अभी तक नामांतरण? आपका नाम बता दीजिए। राहुल डांगी।